अगर जीवन की गतिशीलता इन पर हावी भी हो तो कभी कोई मंटो चींटी काट लेगा, तो कभी कोई फैज, कभी कोई अमृता प्रीतम, या कभी बड़े गुलाम अली का जिक्र यादों के दरीचे खोल देगा। क्यों मुस्कुरा भर देने के लिए डॉक्टर चंद्र त्रिखा साहब ऐसे बातें लिख देते हैं। इधर कुरुक्षेत्र का फिल्मकार केशव, केशु फिल्म्स निरंतर दोनों देशों के अलग अलग घर परिवारों को जोड़ने की कवायद करता है। कसम से मैंने नहीं पहले पढ़ा था कि यहां मेरा नाम भी आएगा। भारतीय उपमहाद्वीप ने 75 वर्ष पूर्व जो भोगा जिया था वह किसी न किसी रूप से फिर से गुनगुनाने लगता है। हाँ, मैं दोषी हूं, मैं दोषी हूं सबको फिर से वो सब बताने के लिए। खबर है कि पंजाब में कत्लेआम हुआ है, आधा रावलपिंडी जल रहा है, मुसलमानों ने हिंदुओं और सिखों के घर जला दिए हैं, पूरे शहर में उन्होंने आतंक मचा रखा है। कितनी जल्दी में थे हम लोग जब बंटवारा करना था, और कितनी हड़बड़ी में थे हम लोग जब हमें विभाजन करना था। आज का वीडियो या आज का ऑडियो इसी बारे में, आखिरकार क्या हुआ था, इतनी जल्दी क्यों थी, कौन था इसका दोषी, डॉक्टर चंद्रप्रिका साहब का एक आर्टिकल दोबारा आपके सामने। कितनी जल्दी में थे हम लोग। जनाब लिखते हैं कि ठीक 75 वर्ष पूर्व हमने हड़बड़ी में सिर्फ एक माह की अवधि देकर एक ब्रिटानिया के एडवोकेट को कलम थमा दी ताकि वह मजहब के आधार पर कुछ लकीरें खींच दे जिन्हें हम बंटवारे की अंतिम लकीरें मान लें। हमने उस एक शख्स की व्यवहारिक बुद्धि पर इतना भरोसा कर लिया जो शख्स हमारी तहजीब, भाषा, भूगोल और व्यवहारिक जिंदगी से पूरी तरह नावाकिफ था, अनजान था। वह एक महीने की नियुक्ति से पहले कभी इस महाद्वीप में पर्यटक के रूप में भी नहीं आया था। उसने मजहब, जनसंख्या और निरंतरता के आधार पर विभाजक रेखाएं खींचने के लिए अपना पूरा व्यवसायिक मुआवजा लिया, यानी कि उसने इस बंटवारे को करने के लिए पूरा हर्जाना लिया या पूरा मेहनताना लिया या अपनी एक मुश्त पेमेंट ली, और उसके बाद अपनी सेवा शर्तें मनवाई और रेखाएं खींचने और अपनी फीस वसूलने के बाद वह वापस अपने देश लौट गया। वहां उससे मीडिया वालों ने पूछा कि क्या वह कभी एक बार दोबारा उस क्षेत्र में जाना चाहेगा, तो जनाब उसका जवाब था कि कभी नहीं, अगर मैं वहां पे गया ना तो वहां के लोग मेरी जान ले लेंगे। रेडक्लिफ नामक उस शख्स से अपनी रिपोर्ट 15 अगस्त से एक दो दिन पहले देने को कहा गया था, मगर अंतिम रूप देने में उसे दो दिन ज्यादा लगे। वह 17 अगस्त को ही रिपोर्ट दे पाया। तब तक इधर सब कुछ हो चुका था। हम हड़बड़ी में थे। कराची में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 अगस्त 1947 को अपने नए देश का झंडा भी फहरा डाला। हमारे यहाँ भी 14 अगस्त की आधी रात को द ट्रायस्ट विद डेस्टिनी के नाम से चर्चित पंडित जवाहरलाल नेहरू का भाषण हुआ, और अगले दिन 15 अगस्त की सुबह लाल किले पर तिरंगा फहराया गया। दो दिनों में अमृता प्रीतम की कविता आज आखा वारिस शाहनू और मंटो की टोबा टेक सिंह सरी की कहानियां और विभाजन पर आधारित असंख्य कृतियों, अनेक फिल्मों, वृत्तचित्रों को स्क्रिप्ट का खाका तैयार हो चुका था। यह सारा खाका खून की स्याही में डूबी कलम से रचा गया था। उन दिनों किसी के पास आरती, हवन, अजान, नमाज, वाक आदि निकलने की पूरी रस्मों का वक्त भी नहीं था। हम किसे कटघरे में खड़ा करें यह आसानी से तय नहीं हो सकता। जिम्मेदारियों की फहरिस्त में तो गांधी, जिन्ना, नेहरू, पटेल, लियाकत, माउंटबेटन सभी आते हैं। हमने सारे आरोप चंद दंगाइयों के माथे चस्पा की और सत्ता सुख भोगने में लग गए। लंबे स्वाधीनता संग्राम की भी आखिर थकान भी उतारनी थी। उन हादसों पर किताब के अलावा फिल्में भी बनी, कॉफी टेबल बुक भी छपी, गूगल, व्हाट्सएप और अन्य सभी एप्स के लंबे चौड़े स्लॉट भरे गए, लेकिन नफरत की बदबू से
73 वर्ष बाद भी मुक्त नहीं हो पाए। भारत पाक विभाजन के विषय पर राजनीति, साहित्य, कला एवं संस्कृति सभी क्षेत्रों में जमकर चर्चा का विषय बनाया गया। 75 वर्ष पुरानी बातें वह ताजा करने और पुराने घावों को भूलने की मशक्कत व्यापक स्तर पर हुई, मगर जब कभी कोई नए संदर्भ में राष्ट्रीय जनगणना सरीखा उपक्रम शुरू होता है तो पुराने दिन फिर से जहन में कुनकुनाने लगते हैं। बेपना मोहब्बत व शिद्दत तक की नफरत वे भूले बिसरे किस्से कब्रों, शमशानों, पीरों, दरगाहों, पुराने मंदिरों की ढहती दीवारों एवं खंडरों से निकल आते हैं। ये किस्से ये आलेख जोड़ते भी हैं और तोड़ते भी हैं। आशंकाएं कुलबुलाती हैं, कहीं वैसा फिर तो नहीं हो जाएगा। वर्ष 1947 के बाद भी कुछ तय नहीं हुआ। अब पुराने दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। यह कवायदें सिर्फ कुछ लाख लोगों तक सीमित नहीं है, इसमें करोड़ों परिवार शामिल हैं। पीछे लौटेंगे तो स्मृतियों को धूल से वास्ता पड़ेगा। मुमकिन है कि पुराने खंडरों में लोबान की खुशबुएं भी मिल जाएं, मगर ज्यादातर दास्तानें दुख भरी। दिल्ली व आसपास के 4 दिनों ने एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या मजहबी बंटवारे का बेताल उतार पाएंगे कंधों से? अब फैसले सभी मजहबों के साफ सुथरे ऊंचे लोगों को मिलकर बैठकर करने होंगे। कोई साफ सुथरा नया रास्ता तय कर लें। अब 120 करोड़ बनाम 30 करोड़ की बातें करने वाले को हाशिए पर डालें। हम 130 करोड़ हैं। चलिए कबीर, तुलसी, रहीम, मियां मीर और बुल्ले शाह के द्वार चलें, शायद कोई बेहतर रास्ता मिल जाए। अब कमोबेश हर सियासतदान से भी भय लगता है। न जाने कहां से इन्हें जहर की शीशियां गलियों, बाजारों, बागों, कूचों में उड़ेलने को मिल जाती हैं। इन्हें अपने ईश्वर, अपने अपने अल्लाह से डर नहीं लगता। इन्हें लगता है कि जहर उगलना भी तो एक धंधा है। अवैध हथियार बिक जाते हैं, लूटपाट का मौका मिल जाता है, अपनी निजी दुश्मनियां निकालने का अवसर भी मिल जाता है। मीडिया को भी टीआरपी मिलती है, तो चलिए साझेदारी समझदारी का इत्र तलाश कर लेते हैं। इस जहरीले माहौल से उभरने की मशक्कत तो करें। शायद 1947-1984 के बेताल कंधों से उतर जाएं। चाहे अध्यात्म हो, संस्कृति हो या मानवीय उपलब्धियां, अथवा हाथ से अतीत को भुलाना नामुमकिन है। नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत हो तो जाती है, मगर किस्से, कहानियां, घटनाओं के रेले हर जगह नए नए रूपों में बार बार उभरने लगते हैं। इन सब से मुक्ति शायद मुमकिन भी नहीं, अतीत का पिंडदान नहीं हो सकता। ऐसे ही बिखरावों को जिंदगी नई नई तरतीब देकर फिर से दोहराने लगती है, कभी संस्मरणों की शक्ल में तो कभी विभाजन के म्यूजियम की शक्ल में। कुछ इसी दिशा में एक और प्रयास है, इसे स्वीकारें या बुहारें यह आप पर है, जो स्मृतियों में निरंतर कोंधती है और शायद कोंधती रहेगी। अगर जीवन की गतिशीलता इन पर हावी भी हो तो कभी कोई मंटो चींटी काट लेगा, तो कभी कोई फैज, कभी कोई अमृता प्रीतम या कभी बड़े गुलाम अली का जिक्र यादों के दरीचे खोल देगा। क्यों मुस्कुरा भर देने के लिए डॉक्टर चंद्र त्रिखा साहब ऐसे बातें लिख देते हैं। इधर कुरुक्षेत्र का फिल्मकार केशु फिल्म्स निरंतर दोनों देशों के अलग अलग घर परिवारों को जोड़ने की कवायद करता है। कसम से मैंने नहीं पहले पढ़ा था कि यहां मेरा नाम भी आएगा। भारतीय उपमहाद्वीप ने 75 वर्ष पूर्व जो भोगा जिया था वह किसी न किसी रूप से फिर से कुनकुनाने लगता है। हाँ, मैं दोषी हूँ सबको फिर से वो सब बताने के लिए। कभी विश्व भर में नए नए रूपों में उभरने वाले शरणार्थी गाथाओं के बहाने, कभी राखीगढ़ व हड़प्पा के संदर्भों में तो कभी करतारपुर कॉरिडोर के बहाने अतीत बार बार स्वयं को दोहराता है।
यह तो तय है कि 15 अगस्त 1947 के पूर्व की स्थिति बहाल नहीं हो सकती। इतिहास में रिवर्स गियर का प्राय कोई प्रावधान नहीं है और ना ही होता है। यद्यपि भूगोल में जर्मनी में भी बर्लिन की दीवार तोड़ी, सोवियत संघ व युगोस्लाविया व चेकोस्लोवाकिया में बदलाव भी आए और वर्ष 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र बना। यह कहावत है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, इस संदर्भ में लागू नहीं होती। जनाब लिखते हैं कि वर्ष 65 व 71 में जो कुछ हुआ उसकी आशंकाएं आगे भी गुनगुनाती हैं। वर्ष 71 में उस भूखंड का एक और टुकड़ा अलग हुआ। भविष्य के गर्भ में क्या है कुछ कहना संभव नहीं है, लेकिन टकराव व नफरत के सिलसिले जारी रहे तो कुछ भी संभव है। भारतीय पंजाब ने आतंकवाद के दशक में जो कुछ झेला या उससे पहले 1971 में जो कुछ हुआ या जो कुछ अब भी भारत पाक सीमा विशेष रूप से कश्मीर क्षेत्र में जारी है, उग्र आशंकाएं हैं कि अभी भी कहीं टूटना संभव है। यह टूटन बलूचिस्तान में होती है या कहीं किसी भारतीय क्षेत्र में, इसके लिए कोई हरकत पाकिस्तान की ओर होती है। दोनों ही स्थितियों में इस उपमहाद्वीप की सांझी संस्कृति की फुलकारी उधड़ती है। यह समूची कवायद सिर्फ इसलिए है कि वर्ष 1947 में इस उपमहाद्वीप के करोड़ों लोगों ने जो त्रासदी झेली है उसकी किसी भी तरह पुनरावर्ती ना हो। भूगोल की लकीरें जहन की गहराइयों तक ना गहराएं, यही दुआएं। डॉक्टर चंद्र त्रिका साहब अपनी बात कह जाते हैं और हमारे दिमाग बड़बड़ाने लगते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। वो सारे किस्से कहानियां जो हमारे बुजुर्गों ने हमें सुनाए हैं, जो हमने इंटरव्यू में कह दिए हैं। इसके बाद फिर से कोई और नया आर्टिकल या उनकी कोई किताब का एक लेख मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। तब तक आप अपने दरवाजों को, दिमाग के दरवाजों को भड़बड़ाएं, नोक करके उसके अंदर घुसने की कोशिश करें कि आखिरकार क्या लिख गए डॉक्टर साहब, डॉक्टर चंद्र त्रिका साहब। शुक्रिया।